यहाँ से खारिज हो गई। ऊपर में कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे उनकी हमारा, हम लोगों का जो ज्यूरिडिक्शन था जितना वो हम लोग ने कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से व्यवहार न्यायालय में उनके खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है और वहां पर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, उनके बेल को खारिज कर दिया है, इसको लेकर वो हाईकोर्ट भी जाएंगे। जब उनके एडवोकेट सुबह में जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि न्यायालय में तमाम दलीलें कर दी गई है, अब जज जो है वो अपनी बातों को सुरक्षित रखे हैं, शाम 4:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन देखिए, अब जो फैसला है उसमें उनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। बीते दिन कार्तिकेय सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बीते दिन की बात कर ले तो लगातार जो बातें चल रही थी, एक तरफ जहां पर साफ हो गया था कि कार्तिकेय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जमानत याचिका पर सुनवाई थी, 31 तारीख तक जरूर अदालत ने उन्हें आराम तो दिया जरूर था, लेकिन जो स्थितियां बनती जा रही थी उसको देखकर ये जरूर लग रहा था कि कार्तिकेय सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन आज देखिए, जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो उसे खारिज कर दिया गया। क्या कह रहे हैं सरकारी एपीपी, पहले आप सुने। पीड़िता कांड संख्या 859/2014 जो जमानत फाइल किया उन्होंने कार्तिकेय सिंह का, बेल जो है अस्वीकृत हुई। क्या अग्रिम जमानत सर, क्या कोई ग्राउंड बनाया गया है? अब ग्राउंड के लिए तो अब विशेष न्यायालय का आदेश, आगे तो अब वो आगे भी क्या कर सकते हैं वो तो उनकी बात है। मतलब क्या सरेंडर करेंगे, फिर जमानत ले सकते हैं या अरेस्टिंग हो सकती है, क्या आपको क्या लगता है? अब तो प्रशासन समझेगी ना। हाँ, हम यहाँ जो कोर्ट का जो प्रोसेस है वो पूरा किया गया, यहाँ से खारिज हो गया। ऊपर में कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे उनकी चीज, मोहम्मद कलाम अंसारी अपर लोग भी, अपर लोग अभियोजक। अगर सर ऐसा हो सकता है कि अभी जाके पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, ये तो अब प्रशासन हमारा, हम लोगों का जो ज्यूरिडिक्शन था जितना वो हम लोग ने कर दिया। ठीक ठीक। बहस में किन किन पॉइंट को रखा गया सर? काफ़ी पॉइंट है, पटना हाई कोर्ट से जो रिजेक्ट हुआ था इनका अग्रिम जमानत वगैरह वगैरह। तो आपने बयान में सुना किस तरीके से सरकारी एपीपी का कहना है कि उनकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई थी उसमें जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब कार्तिकेय सिंह आगे क्या कर सकते हैं ये उनके वकील बताएंगे। फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बन रही है, आने वाले समय में ये जरूर माना जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह अब पटना हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर जमानत याचिका के लिए पिटीशन दायर करेंगे। फिलहाल उनका मंत्री पद भी जा चुका है, MLC हैं, और उन्होंने आज सुबह ही बयान दे दिया था कि मेरी छवि भी खराब हो रही है, मेरे उप मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है, जिस वजह से मैंने मंत्री पद से जरूर इस्तीफा दिया है लेकिन मैं लोगों के लिए काम करता रहूंगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।